गले में आप कॉलर देख रहे हो, ये 850 रुपये का आता है, टिक कॉलर है, ठीक है। ये टिक कॉलर फेंका हुआ था कहीं, अभी मैंने उठा करके इसे गले में डाला है, मतलब इतनी भी फुर्सत नहीं है स्टाफ को कि वो गले में डाल दे। और हालत देखे तो मेरी हवा खराब हो गई, मतलब 2-2.5 किलो इसने लूज कर लिया होगा, लूज मोशन कर करके। अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, 0.5 किलो बॉडी वेट। क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन एसटी। हाय गाइस, गुड इवनिंग, सौरभ डॉग चैनल में आपका स्वागत है। अभी जस्ट अपने घर में एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री करने के बाद आपको पता है कि घर पे मैंने 2 पर्सनल पेट्स रखे हुए हैं। पहली है लीजा, जो कि नेपोलियन मैस्टिफ है। दूसरी हमारी गूगल है, जो कि फीमेल तोसा एनो है, दैट इज जैपनीज मैस्टिफ। तो 2 फीमेल है हमने रखी हुई है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि जब आप अपना काम स्टाफ के भरोसे छोड़ देते हैं, और जब आपको लगता है कि आपका नौकर या आपका लड़का या आपका स्टाफ या आपका रखा हुआ एम्प्लॉय डॉग की केयर टेकिंग कर सकता है। हालांकि ये गलती मैं अपने 8 साल के डॉग इंडस्ट्री के करियर में शायद 800 बार कर चुका हूं, फिर भी ये बेवकूफ दिमाग जो मेरा है और जो हम सबका बेवकूफ दिमाग होता है ना, बार बार गिरने के बाद भी संभलता नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बेवकूफ दिमाग, अभी मैं बता रहा हूं। तो इंसिडेंट ये हुआ, 2 दिनों से मैं गूगल और लीजा दोनों को नहीं देख रहा था कि वो कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उनको क्लीन किया गया कि नहीं, जगह साफ हुई कि नहीं। आज मैं नीचे उतरकर आया हूं, मतलब घर पे नहीं था या शूटिंग में बहुत ज्यादा बिजी था, कैनल पे बहुत ज्यादा बिजी था। हमारी साइबेरियन हस्की पपीज दे रही है, उसकी डिलीवरी हो रही है, फिर ग्रेट डेन हमारी बच्चे दे रही है, और आज सेंट बर्नार्ड की भी डिलीवरी है। अभी मैं भाग रहा हूं फार्म पे, रात के बज रहे हैं आप देख सकते हो 10, तो अभी मैं फार्म पे जा रहा हूँ। सुबह तक लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा पता नहीं है। तो इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा व्यस्त था, क्योंकि हमारी खुद की फीमेल डिलीवर कर रही हैं, तो फार्म पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्टाफ की हरकत। तो ये आप देखो, लीजा है, ठीक है। हमने स्टाफ को 1000 बार बोला है कि किसी भी डॉग को नहलाने के बाद पोछ दिया करिए, अदरवाइज वो दीवार में खुद को पोछेगा। तो ये आप देख रहे हो, ये जो दीवार पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, ये लीजा ने दीवार पे खुद को घिस के साफ करने की और सुखाने की कोशिश की है, तो जिसके वजह से ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट आए, देख रहे हैं आप। तो ये सारे स्पॉट्स उसी वजह से है। तो ये तो रही लीजा की बात, ठीक है। हे लीजा, अच्छा फूड खिला दिया गया। अब उसके बाद क्या है कि मैं आया हूं, अब आप देखिए सफाई, हम दिन भर हाइजीन की बात करते हैं और मेरे ही बच्चे यहाँ पे तबाह हुए पड़े हैं गंदगी में। लूज मोशन हो रखा है, वहाँ भी लूज मोशन हुआ है, तो इधर पॉटी उधर पॉटी। और मैं दिखाता हूँ अपनी गूगल, हाय गूगल, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना, मन कर रहा हूँ स्टाफ को 10 थप्पड़ मारूँ खींच के। अब इसकी हालत देखिए, 1 हफ्ते पहले आपने इसकी वीडियो देखी थी, कितनी हेल्दी थी, लूज मोशन कर करके ये बच्ची प्रॉपर पूरी डिहाइड्रेट हो गई अभी, और इतनी दुबली हो गई है। अब इसको देख के मुझे कितना, तो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्टाफ को डांटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा 4 लड़के हैं, मैं किसी को ही बोलूंगा वो बोलेगा मैंने नहीं किया, वो बोलेगा मैंने नहीं किया, वो बोलेगा मैंने नहीं किया। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी को कुछ भी बोल के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि स्टाफ हमेशा स्टाफ है, मालिक हमेशा मालिक है। स्टाफ कांट बी अ डॉग लवर, ओनर इज ऑलवेज अ डॉग लवर। तो हम डॉग लवर हैं, आप लोग डॉग लवर हैं, तो कभी भी किसी स्टाफ या एम्प्लॉय पे भरोसा मत कीजिए कि वो आपके बच्चों का केयर टेकिंग अच्छे से कर सकता है। और लीजा की भी हालत ठीक नहीं है, गूगल की भी हालत हमने दिखाई, ये बच्ची देखिए कैसे पड़ी हुई है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मैं इनको ऊपर लेके जाऊंगा, देखता हूँ किसका टेम्परेचर खराब है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग, मतलब कुछ भी। डॉग फूड खराब हो रहा है तो खराब हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पैसे का आ रहा है, स्टाफ के पैसे का नहीं आ रहा, ठीक है। ग्रेवी एक्सपायर हो जा रही है पड़े पड़े, उनको नहीं देना, क्यों? क्योंकि आपके पैसे का आ रहा है, उनके पैसे का नहीं आ रहा। बॉइल्ड एग दिया जाता है, साले खुद ही खा जाते हैं।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमराज लगे हुए हैं, मेरे घर पे हर तरफ कैमरा लगा हुआ है। देखिए वहां कैमरा लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है। मैं दिन भर इन लोग को देखता रहता हूँ, मैं जहां भी रहता हूँ ऑनलाइन देखता रहता हूँ कैमरे में मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। घर एक्चुअली काफी ऊपर तक है, ऊंचा है। मैं नहीं भी रहता हूँ यहाँ पे, मैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी रहूं मैं इन पे ध्यान रखता हूँ। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो कभी भी नेवर एवर 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 नेवर आप अपने किसी स्टाफ पे भरोसा मत कीजिए, जो आपका कितना भी खास हो। सबसे पहले आपका घर गंदा होगा उसको कोई फर्क नहीं है क्योंकि उसका घर नहीं है। आपके जानवर बीमार होंगे उसको कोई फर्क नहीं है क्योंकि जानवर उसके नहीं है। आपका खाना डॉग फूड मल्टीविटामिन कैल्शियम लिवर टॉनिक एक्सपायर होके खराब होके फेंक दिया जाएगा, स्टाफ को कोई फर्क नहीं है क्योंकि उसके जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं। इसलिए खुद ध्यान रखिए, खुद दीजिए। और आपको पता है मैंने घर में दो ही डॉग क्यों रखे हुए हैं? मैं तो 200 रख सकता हूं, क्योंकि एक अकेला इंसान दो को ही संभाल सकता है। और इतनी बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद आपको मैं बताऊं कि मैं दो को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता जितना देना चाहिए, बट गलती से इंसान सीखता है। तो अब मुझे ये समझ में आया कि मुझे किसी स्टाफ की ऊपर भरोसा नहीं करना है और सिर्फ साफ सफाई के लिए लड़कों को रखना है और खाना पीना विटामिन मिनरल्स कैल्शियम खुद ही देने। मतलब मैं लापरवाही बताने लगूँ ना तो मतलब आप कहोगे यार क्या ही लड़के हैं ये। मतलब आप सोचिए 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह देने के बावजूद ये लोग एक काम भी अपने घर की तरह नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टाफ क्या करता है। हो सकता है आपका स्टाफ आपके भी घर में यही काम कर रहा हो। मैं काउंट कर रहा हूँ। सो गाइस कुल मिला जुला के बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है। डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार क्यों ऐसे नॉनसेंस लोगों को मैंने काम पे रखा हुआ है। और पता है एक अच्छा स्टाफ वो है जो सबसे पहले अपने आप को साफ रखता है। जो व्यक्ति खुद की शरीर की सफाई रख सकता है, साफ सुथरे कपड़े पहन सकता है, वो आपके घर को भी साफ सुथरा रखेगा, आपके डॉग को भी साफ सुथरा रखेगा। अभी आपके पूरा घर देख रहे हैं, मैंने 1 से 2 महीने पहले पूरा घर पेंट हुआ है और उसके बावजूद हर जगह इन लोग की बेवकूफी की वजह से ऐसे स्पॉट्स आ गए। ये देख रहे हैं गंदी हो रखी है पूरी वॉल। इधर भी देखिए पूरी वॉल गंदी हो रखी है, इधर भी देखिए पूरी वॉल गंदी हो रखी है। तो डॉग्स का क्या दोष है यार, ये तो बेचारे क्या बताएं, तो प्यार करना और प्यार करवाना जानते हैं। इनकी कोई गलती नहीं, गलती तो इंसानों की होती है। हमें पता है ना ये लोग क्या करेंगे, तो हमें इनकी केयर करनी है, हमें इनकी डिवॉर्मिंग करनी है, हमें इनको टाइम से खाना देना है और हमें सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं क्या बताऊँ यार, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक बाथ, उसके बाद तो जाके गंदा हो ही जाना है फार्म पे। तो बहुत मेहनत होती है गाइस। तो हाँ एक दिन ज़रूर आता है जब आप प्रॉपर एक ऑथेंटिक ब्रीडर बन जाते हो, जब आपको अच्छा एम्प्लॉय अच्छा स्टाफ मिल जाता है, तो एक थोड़ा सा समय आपका आराम वाला भी आता है। बट वो आराम का समय मुझे नहीं लगता 10-12-15 साल के पहले आएगा। और 15 साल तो क्या ही बताएं, लग जाती है, मतलब एकदम लेने के देने वाली मेहनत करनी पड़ती है। बट हाँ मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करना है। सो मैं पूरी SDK टीम को, पूरे SDK परिवार को इस बात को बताना चाहूँगा कि आपके सौरभ भैया की लाइफ इतनी ईजी नहीं है। तो आई एम सॉरी मैं सारे लोगों के फ़ोन के जवाब नहीं दे पाता, मैं सबके रिप्लाईज का आंसर नहीं दे पाते क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। मैंने बहुत सारे लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए, फिर भी वो लोग कम पड़ जाते हैं क्योंकि आप सबकी क्वेरीज आप सबके सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, हर एक ब्रीडर तक पहुँचना चाहिए कि एक गलत स्टाफ या एक छोटी सी गलती की वजह से आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब रात हो गया, स्टाफ तो घड़ी देख के चला जाता है 8 बजे। अब ये सब सियापा भी मुझे ही साफ करना है, बर्तन भी धुलने हैं, इनको दवा भी देनी है, इनकी केयरिंग भी करनी है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद सौरभ डॉग कैनल।